हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सभी क्लास ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस वीडियो लिंक में देखते हैं एडियाड और कीटोन की विस्थापन अभिक्रियाएं हम लोग देख रहे थे, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें विस्थापन अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया हमने एडियाड और कीटोन की हाइड्रोक्सीनमिन से कराई थी, दूसरा क्या कराया था, हाइड्रेजिन से कराया था। उसी कड़ी में अगला विस्थापन अभिक्रिया आप लोग एडियाड और कीटोन की एल्डिहाइड और कीटोन की विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन किसका, ऑक्सीजन का, और रिएक्शन आप कराओगे एल्डिहाइड और कीटोन की फेनिल हाइड्रेजिन के साथ क्रिया, एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया किसके साथ, एनिल हाइड्रेजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये आपका फेनिल हाइड्रोजन बनेगा कैसे। हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, तीन हो गई, हाइड्रोजन की एक हो गई, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, ये हो गया हाइड्रोजन। लेकिन क्या कह रहा है, फेनिल हाइड्रोजन, तो इसमें से एक वैलेंसी से आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करा करके वहां पे कौन सा बेंजीन न्यूक्लियस फेनिल ग्रुप अटैच कर दोगे। ओ ये आपका बन गया नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका क्या हो गया H2, इधर H हो गया, और एक वैलेंसी पे आपकी जुड़ गई क्या, फेनिल ग्रुप, ठीक है। जनरल फार्मूला अगर लिखना चाहें तो क्या हो गया, H2N सिंगल बॉन्ड N, इधर आपका क्या हो जाएगा H, और इधर क्या हो गया C6H5, ठीक है। ये आपका बन गया फेनिल हाइड्रेजिन बन गया। अब आप क्या करोगे, एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया फेनिल हाइड्रेजिन के साथ, तो आपका हो गया C डबल बॉन्ड O, इधर हो गया R, इधर हो गया H, क्रिया हो गई आपकी H2N सिंगल बॉन्ड N, एक वैलेंसी से हाइड्रोजन और दूसरी वैलेंसी से अटैच हो गया कौन सा, फेनिल ग्रुप। ये आपका क्या है, ये है आपका फेनिल हाइड्रेजिन है। ये क्या है, ये आपका है एल्डिहाइड, बनेगा क्या, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिप्लेस करने की बात कर रहा है, यहां से ऑक्सीजन को आप रिप्लेस करा दो, निकल गया ये, यहां से निकल गया H2O, आपका बचा क्या, डबल वैलेंसी तो है ही, यहां से आपका R, इधर H, इधर से क्या बचा, इधर से N, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से N, कितना हो गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, तीन हो गई, इधर इस नाइट्रोजन के भी एक हुई, एक वैलेंसी से हाइड्रोजन और एक वैलेंसी से आपने क्या जोड़ दिया, फेनिल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। ये आपका बन गया एल्डिहाइड, फेनिल हाइड्रेजोन बन जाएगा, ठीक है, जीन से जोन बन जा रहा है। ये आपका बन गया एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन बन गया, ठीक है। यहीं पे हम एग्जांपल ले लेते हैं किसकी क्रिया, एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पे ले लो एसिटाल्डिहाइड की क्रिया आप करा दो फेनिल हाइड्रेजिन के साथ, तो एसिटाल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, एक वैलेंसी पे CH3, यहाँ पे H, और इधर से आपका हो गया H2N, इधर से हाइड्रोजन, दूसरी वैलेंसी पे आपकी जुड़ गया कौन सा, फेनिल ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजन कर गया रिप्लेस इसका हाइड्रोजन, और ये आपका बना दिया H2O, इधर हो गया C डबल बॉन्ड O, इधर आपका हो गया CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड N, इधर हो गया H, और यहाँ से आपका जुड़ गया, इसका नाम क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन, नो जेन जोन हो जाएगा, ये आपका बन गया एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन बन गया।
अब आप क्या करो, कीटोन के साथ फेरिल हाइड्रोजन के रिएक्शन करा दो। यहाँ से आप ले लो कीटोन की साथ है फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया, और कीटोन का क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, ये रिएक्शन हो गई एच टू एन सिंगल बॉन्ड एन, इधर एच हो गया और इधर आपकी क्या हो गई फेनिल ग्रुप हो गई। रिएक्शन करेगा, इसका ऑक्सीजन रिप्लेसिएबल है, ये आपका बना दिया H2O, यहाँ से आपका हो गया C डबल बॉन्ड, इधर हो गया R, इधर हो गया R, N सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, और एक वैलेंसी से यहाँ से आपकी जुड़ गई है फेनिल ग्रुप, ये आपका बन गया कीटोन फेनिल हाइड्रोजन, ये आपका बन गया कीटोन फेनिल हाइड्रोजन बना दिए। एग्जांपल ले लिए एस्ट्रोन के साथ फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया, एसीटोन के साथ फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया, एस्ट्रोन का क्या हो गया सी डबल बॉन्ड, इधर आपका हो गया CH3 फेनिल हाइड्रोजन H2N सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, यहाँ से आपका अटैच हो गया कौन सा फेनिल ग्रुप, ऑक्सीजन यहाँ से रिप्लेस करेगा इसके हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, और इधर ये आपका दे दिया H2O, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड, इधर आपकी वैलेंसी हो गई CH3 N सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे आपका अटैच हो गया फेनिल ग्रुप, एस्टोन फेनिल हाइड्रोजन बन गया, ये आपका हो गया एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही, अगले वीडियो लिंक में आपको एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जो है सेमी कार्बेजाइड, और सेमी कार्बेजाइड क्या होता है यूरिया का एक अमीनो डेरिवेटिव होता है, तो इस टॉपिक से जुड़ी हुई इक्वेशंस हम लोग अपने अगले वीडियो लिंक में डील करेंगे। आप मुझसे जुड़े रहिए, वेरी शॉर्टली एवरी वीक माई नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट विल बी रिलेटेड ऑन द एडिशंस रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।